हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक और पंचतंत्र की नई कहानी लेकर आई हूँ। और आज की कहानी का नाम है चतुर कबूतर। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक बहेलिया रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर शिकार करता था। इस तरह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसने जंगल में कबूतरों के झुंड को उड़ते हुए देखा और सोचा कि कितने सुंदर कबूतर हैं, अब इन्हीं को अपने जाल में फंसाऊंगा। इतने सारे सुंदर कबूतरों के तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। दूसरे दिन बहेलिया सुबह सुबह ही जल्दी जंगल में जाता है और जंगल में जाकर जाल फैलाकर उसमें दाने डाल देता है ताकि कबूतरों का झुंड लालच में फंस जाए। और पास ही एक पेड़ के पीछे छिपकर कबूतरों के आने का इंतजार करने लगता है। तभी कबूतरों का झुंड वहां उड़ता हुआ आ जाता है और एक कबूतर की निगाह जमीन पर रखे दानों पर पड़ती है। अरे दोस्तों, नीचे देखो, कितने सारे दाने जमीन पर रखे हैं। सच में दोस्तों, कितनी देर से हम भोजन ढूंढ रहे थे। उन सभी के मुंह में पानी आ जाता है। जल्दी चलो दोस्तों, बहुत भूख लग रही है, बातों में समय मत बर्बाद करो। तभी झुंड का एक बूढ़ा और अनुभवी कबूतर बोलता है, गुडर गुडर। रुको रुको मित्रो, सब ये तो सोचो कि घने जंगल में इतने सारे दाने आए कहाँ से। मुझे तो ये किसी बहेलिए का काम लगता है, उसने जरूर हमें फंसाने के लिए दाने डाले होंगे। गुडर गुडर। दादा, आप शांत ही रहें तो अच्छा है, इन बुजुर्गों को तो अब हर जगह खतरा ही दिखाई देता है। मित्रों, इनकी बातों पर ध्यान मत दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। वैसे भी बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ दोस्तों, खाना हमारे सामने है, हम सबको भी भूख लग रही है और ये तो हमें खाना खाने से रोक रहे हैं। सभी कबूतर नीचे की तरफ उड़ते हैं और जमीन पर उतरकर दाने चुगना शुरू कर देते हैं। सिर्फ बूढ़ा कबूतर पेड़ पर बैठ जाता है। दाने चुगते वक्त कबूतरों को एहसास होता है कि उनके पंजे किसी चीज में उलझ गए हैं। उन सभी कबूतरों ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहेलिए के जाल से नहीं निकल सके। दोस्तों, हमें दादा की बात माननी चाहिए थी। और यह सुनकर सारे कबूतर चिल्लाने लगे, अब तुम सब पहले आपस में लड़ना छोड़ो और चुप होकर मेरी बात सुनो। इस तरह झगड़ के तुम कभी भी इस जाल से नहीं छूट सकते हो, लेकिन एक साथ कोशिश करने पर तुम सभी इस जाल से छूट सकते हो। सभी कबूतरों ने बूढ़े कबूतर की बात को अच्छी तरह समझ लिया। और दूसरी तरफ बहेलिया सारे कबूतरों को जाल में फंसा देखकर बहुत खुश हो रहा था। उसे क्या पता था कि उसके सारे शिकार थोड़ी देर में वहाँ से भाग निकलेंगे। जैसे ही बहेलिया उन्हें पकड़ने के लिए जाल के पास आता है, तभी सभी कबूतरों ने एक साथ पंख फड़फड़ाने शुरू कर दिए और जल्दी ही वह जाल समेत हवा में उड़ गए। बहेलिए को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि कबूतर इस तरह जाल लेकर उड़ जाएंगे। वह उन्हें बस दुखी मन से उड़ता हुआ देखता रह गया। बूढ़ा कबूतर उन्हें अपने मित्र चूहे के पास लेकर गया और चूहे से अपने कबूतर मित्रों को जाल से मुक्त करने का अनुरोध किया। चूहे मित्र, जरा जल्दी जल्दी इस सारे जाल को काट दो। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को कुतर दिया और जल्दी ही सारे ही कबूतर जाल से आजाद हो गए और खुले आसमान में उड़ने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। हेलो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक और पंचतंत्र की